तो हेलो दोस्तों, दोस्तों असील का अपना ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूँ केडी सिंह। दोस्तों आज हम बात करेंगे, बहुत सारे दोस्तों का एक सवाल रहता है कि कितनी बड़े से फार्मिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूँ, ये बिजनेस ऐसा होता है, इसे आप कभी भी अपना बड़ा लेवल पर नहीं करना चाहिए। ये एक साइड बिजनेस के तौर पर स्टार्ट करना चाहिए। जब भी स्टार्ट करें साइड बिजनेस के तौर पर स्टार्ट करें, फिर जैसे जैसे आपका इंक्रीमेंट या आप जैसे जैसे कमाते हैं वैसे वैसे आपको बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि करने से ही एक्सपीरियंस आता है इसमें। तो चलिए बताते हैं दोस्तों आप लोगों को। सबसे पहले आपको 10 फीमेल बर्ड ले लेनी है, जो जिसकी डिमांड आपके आसपास में हो। अब दोस्तों उसमें 2 मेल बर्ड भी ले लेने हैं, ये सीजन कोई भी हो सकता है, कभी भी आप ले सकते हो। तो इसमें आपको ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसमें बस आपका टेम्परेचर, फीड मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। टेम्परेचर आपका एक कमरा हो 10 बाई 15 का, उसमें नीचे कुछ भूसा पड़ा हो और अच्छे से उसका वेंटिलेशन अच्छे तरीके से हो, और बढ़ के बैठने के लिए अच्छी जगह हो, ऊंचे पे भी बैठने के लिए जगह हो और नीचे घूमने के लिए भी अच्छी जगह हो, डेली साफ़ सफाई हो और चूने का छिड़काव होना चाहिए। तो अब बात करते हैं दोस्तों, अंडा 10 बर्ड कितना प्रोड्यूस कर देती है डेली। कोई भी बर्ड दोस्तों एक दिन छोड़ के एक दिन अंडा देती है, और 30 से 35 अंडा दे के वो 8 से 10 दिन का गैप लेती है। तो इसमें 10 बर्ड में हम 3 या 4 एग्स डेली मान सकते हैं, पक्का आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि कुछ बर्ड छुट्टी मारती रहती है, कुछ देती रहती है, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम की वजह से अंडा देना बंद कर देती है। अब बात करते हैं दोस्तों उस अंडे से क्या करना चाहिए। दोस्तों डेली 3 से 4 बर्ड आने के एग्स आने के बाद आपको 10 दिन तक एग्स इकट्ठा कर लेने हैं, और एक ले लेना है इंक्यूबेटर। अंडे सेल करके भी आप ले सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा करके भी आ ले सकते हैं। तो इंक्यूबेटर आपका आ जाता है अमेजोन से, मैं नीचे लिंक दे दूँगा, वहाँ से 2000 रुपये का आपका इंक्यूबेटर आपके घर पर आ जाएगा। तो वो आप अपने घर में लाइट के किसी माध्यम से कनेक्ट करके उससे बच्चे आप निकलवा सकते हैं। उससे आपका दोस्तों क्या होगा, एक तो चिक्स लाने का खर्चा कम होगा, और जो खुद के चिक्स होंगे उसमें अगर कुछ मोर्टिलिटी हो जाती है तो आपको ज़्यादा हर्जाना नहीं भरना पड़ेगा। और 10 बर्ड को आप छोटी सी किसी भी मैनेजमेंट जगह में रख सकते हो, और देखभाल भी अच्छी हो जाती है, रख रखाव भी हो जाता है, क्योंकि बर्ड कम रहती है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों, 20-21 दिन में चिक्स निकल जाते हैं सारे, तो उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं अच्छे से। और चिक्स कभी भी बड़ी बर्ड के बीच में नहीं रखने चाहिए, उनके लिए साफ़ सुथरी दूसरी जगह होनी चाहिए और उनका रख रखाव भी अच्छा होना चाहिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मेडिसिन के बारे में। दोस्तों कभी भी अपने देसी बर्ड को, अपनी घरेलू बर्ड को आपको बाहर की मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। मेडिसिन फीड में भी मेडिसिन आती है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें मेडिसिन ऐड की जाती है, लेकिन आपको वैसा नहीं करना चाहिए। तो इसमें गुड़ का पानी आप देते हैं बहुत सारे लोग, उसमें गुड़ का पानी ना दे के आप बच्चों वाली घुट्टी भी दे सकते हैं, या फिर शहद का पानी भी आप दे सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों, बच्चों को ब्रूडिंग भी करानी होती है। ब्रूडिंग दोस्तों मैं ब्रूडिंग की एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, वो आप नंबर से देख सकते हैं। दोस्तों ये पार्ट 1 रहेगा, डेली हम एक पार्ट अपलोड करेंगे 3 से 5 मिनट के बीच का, उसमें अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी हमारे द्वारा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और नंबर से हम सारी जानकारी आपको देते रहेंगे, आप अपने हिसाब से अपना मैनेजमेंट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।